हे गाइस वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास इलेवेंथ का चैप्टर नंबर वन चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन एमसीक्यू सो स्टूडेंट ये लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग एमसीक्यू डिज़ाइन करे गए हैं जो एग्जाम टू और ट्वेंटी में आने वाली हैं उसी के ये एम हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा उसी के साथ साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई भी अपडेट डालूँ उसकी इन्फॉमेशन आपके पास पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर वन द स्पोर्ट विच इज़ नॉट इंक्लूड इन ओलम्पिक ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसको ओलम्पिक्स में इंक्लूड नहीं करा जाता है ऑप्शन ए क्रिकेट ऑप्शन बी हॉकी ऑप्शन सी फुटबॉल ऑप्शन डी एथलेटिक्स ऑप्शन ए क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर क्रिकेट को ओलंपिक्स में नहीं इंक्लूड किया जाता है क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज इन प्रिपेयरिंग प्लेइंग सरफेस इन स्पोर्ट्स सो इसमें आपने ये बताना है कि जब हम प्लेइंग सरफेस को तैयार कर रहे होते हैं तो हम कौन से मटीरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं प्लेइंग सर्फेस को बनाने के लिए ऑप्शन ए पॉलीमेरिक रबर ऑप्शन बी पी ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑप्शन डी वायर मैश सो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी वायर मैश इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री विच स्पोर्ट्स यूजेज आर्टिफिशियल ग्रास इन दी नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ओलम्पिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम तो स्टूडेंट आपने इसमें बताना है की नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ओलम्पिक्स में किस स्पोर्ट्स में हमने आर्टिफिशियल ग्रास का यूज किया ऑप्शन ए फील्ड हॉकी ऑप्शन बी फुटबॉल ऑप्शन सी बैडमिंटन ऑप्शन डी गोल्फ सो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए फील्ड हॉकी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज नॉट मॉनिटर्ड बाय दी वियरेबल गियर्स इन द स्पोर्ट्स ऑप्शन ए पोजीशन ऑफ द एथलीट ऑप्शन बी हर्ट रेट ऑप्शन सी कैलोरीज टेकन इन द फूड ऑप्शन डी एक्सीलरेशन ऑप्शन सी कैलरीज टेकन इन द फूड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू रिड्यूस द वेट एंड इंक्रीज़ द लाइफ स्पेन ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सो यहाँ पे ये यह बता रखा है कि हम किस मटेरियल का यूज करते हैं वेट को कम करने के लिए और अपनी लाइफ स्पेन को बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए स्टील ऑप्शन बी पी ऑप्शन सी कम्पोस्ट मटीरियल ऑप्शन डी रबर ऑप्शन सी कंपोस्ट मटेरियल इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिट इंडिया प्रोग्राम इनमें से कौन सा फिट इंडिया प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑप्शन ए फिटनेस फॉर ऑल ऑप्शन बी टू इंकरेज मस्कुल एंड बॉडी ऑप्शन सी इंकरेज इंडिजीनियस स्पोर्ट्स ऑप्शन डी फिटनेस रीच एवरी स्कूल ज मस्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन इन द खेलो इंडिया प्रोग्राम द सिलेक्टेड प्लेयर इज गिवेन एन अमाउंट ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम में जो प्लेयर्स को चुन लिया जाता है उन्हें कितने रूपए मिलते हैं ऑप्शन ए रूपीज फाइव लैख ऑप्शन बी रूपीज टू लैख ऑप्शन सी रुपीज थ्री लैख ऑप्शन डी नन ऑफ दब ऑप्शन ए रुपीज फाइव लैख इज़ दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एट हाउ मेनी स्पोर्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दी खेलो इंडिया प्रोग्राम खेलो इंडिया प्रोग्राम में टोटल कितने स्पोर्ट्स को इंक्लूड करा जाता है ऑप्शन ए टेन ऑप्शन बी सिक्सटीन ऑप्शन सी ट्वेल्व ऑप्शन डी एटीन ऑप्शन बी सिक्सटीन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन फिजिकल एजुकेशन इज द सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस अ पर्सन रिसीव्स थ्रू फिजिकल मूवमेंट हु सेड दिस सो आपने ये बताना है कि ये लाइन किसने बोली है सो so, स्टूडेंट नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं आपने इनमें से सिलेक्ट करके बताना है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इनमें से कौन सा फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑप्शन ए इमोशनल डेवलपमेंट ऑप्शन बी सोशल डेवलपमेंट ऑप्शन सी इवेल्युएशन ऑप्शन डी न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट Option C is the correct answer.